बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के चयनित 6,800 अभ्यर्थियों ने गुरुवार को अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बसपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करके मायावती से न्याय की मांग की है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि लंबे समय से अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर कई दफा अभ्यर्थी प्रदर्शन भी कर चुके हैं।